फिल्म जो अब दिल्ली दूर नहीं, कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है इंसान के लिए। पूरे देश में जितने भी लोग जो गांव से जाते हैं दिल्ली में तैयारी करने या किसी भी बड़े शहर में तैयारी करने, वो अपने आप को रिलेट करके देख सकेंगे, उनको अपनी छवि दिखेगी उस हीरो में। लेकिन किस तरह से मोटिवेशन को बनाए रखना है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हम सनी पॉलिक्स में मौजूद है और आपको बता दें, लगातार जो है बिहार में फिल्म का प्रमोशन होते आ रहा है। लोग बहुत बाखूबी साउथ और बॉलीवुड जैसे मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहीं पे एक और मूवी निकल कर आया, दिल्ली अब दूर नहीं है, और यहाँ पर प्रमोशन के लिए हमारे साथ खड़े हैं जो चाणक्या बिजनेसमैन हमारे साथ इस वक्त है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये दिल्ली दूर नहीं है, इसमें कहानी क्या है और कहानी का पीछे का जो प्रदर्शन वो क्या है, उसके बारे में बाखूबी हम जानेंगे। आखिर ये दिल्ली दूर है नहीं है, ये इसके इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का मतलब? देखिए, एक कहावत होती है, अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली बहुत दूर है, लोग कहते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत दूर है उसको करना बहुत मुश्किल होती है। तो ये फिल्म जो अब दिल्ली दूर नहीं, कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है इंसान के लिए। इंसान अगर सही तरीके से तैयारी करे, किसी चीज़ पर मोटिवेटेड रहे, सही मार्गदर्शन उसको मिले, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। ये कहानी बेसिकली हमारे जो चाणक्या IAS अकेडमी के CMD हैं, सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, उनके 30 सालों के लंबे अनुभव के आधार पर, और जो 5000 IAS IPS ऑफिसर हमारे यहाँ से निकल चुके हैं सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में, उनके जीवन पर और 30 वर्षों के अनुभव पर ये फिल्म आधारित है। इस फिल्म को बनाने के पीछे कई बार लोग हमसे ये सवाल कहते हैं कि आप तो UPSC और BPSC की तैयारी कराते हैं, आपने फिल्म क्यों बनाया है? तो फिल्म बनाने के पीछे हमारा मकसद ये है कि हम लोग जब सेमिनार करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को जाके हम मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ पर होता ये है कि हम एक क्राउड को, एक लिमिटेड क्राउड को ही एड्रेस कर पाते हैं, 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, या ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोगों को। इस फिल्म के माध्यम से, ये फिल्म पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में रिलीज हुई है, पैन इंडिया रिलीज, सारे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सों में, आप देख रहे हैं यहाँ भी सिनेपॉलिस में रिलीज हुई है ये फिल्म। तो इस फिल्म के माध्यम से हम लोग एक बड़े वर्ग तक पहुंच पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, ताकि लोग UPSC की तैयारी करें और BPSC की तैयारी करें। ये जो मूवी है कहाँ पे शूट हुआ है और इस मूवी का जो मेन किरदार है वो कौन? देखिए, मूवी का जो मुख्य किरदार है, जो फिल्म का हीरो है, इमरान जाहिद नाम है उनका, वो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, बेसिकली बिहार के ही रहने वाले हैं। इसलिए जब फिल्म में ये कहानी दिखाई गई है कि एक बिहार का लड़का निकल के जाता है, हमारे जो चाणक्या IAS अकेडमी के पटना ब्रांच के बिहार UP के जो रीजनल हेड हैं डॉक्टर कृष्णा सिंह सर, वो जब इस मूवी का ट्रेलर देखे तो उन्होंने भी सेम यही बात कही कि जब मैं तैयारी करने के लिए गया था दिल्ली, तो सिर्फ इसी तरह का सूटकेस लेके मैं भी गया था, जिसमें बिहार का एक लड़का है जो फिल्म में दिखाया गया लेके गया है। तो बिहार के जो बाकी लोग हैं और पूरे देश में जितने भी लोग जो गाँव से जाते हैं दिल्ली में तैयारी करने या किसी भी बड़े शहर में तैयारी करने, वो अपने आप को रिलेट करके देख सकेंगे, उनको अपनी छवि दिखेगी उस हीरो में। और हीरो पटना का, बिहार का ही रहने वाला है, नवादा के जिला के रहने वाले हैं वो, तो उनका एसेंट वगैरह सब काफ़ी हद तक बिहार से रिलेटेड रहता है, तो लोग और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं उसमें। शूट कहाँ हुआ है? शूट ज़्यादातर चाणक्या IAS अकेडमी के दिल्ली और पटना के ब्रांचों में शूट किया गया है इसको, और आउटसाइड का भी लोकेशन है, दिल्ली में ज़्यादातर शूटिंग हुई है इसकी, कुछ कुछ शूटिंग पटना में और चाणक्या IAS अकेडमी के दिल्ली ब्रांच में भी। हीरोइन भी है? हाँ, फिल्म की हीरोइन भी है, फिल्म की हीरोइन भी एक पंजाबी फिल्मों की हीरोइन है, सोढ़ी, मिस सोढ़ी नाम है उनका, श्रुति सोढ़ी शायद नाम है उनका, कन्फर्म मैं नहीं हूँ। तो वो भी फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही है, वो हीरो के साथ। वो फिल्म के दौरान ये देखने को मिलता है कि जो फिल्म का हीरो होता है, जो UPSC की तैयारी कर रहा होता है, उसको कई सारी तरह के प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, जैसे प्यार भी होता है, धोखा भी होता है, कई बार उसका मन जो है वो डेविएट होता है, उसको लगता है कि नहीं करना चाहिए तैयारी, छोड़ दो। लेकिन किस तरह से मोटिवेशन को बनाए रखना है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। और यही बातें सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, जो चाणक्या के CMD हैं, वो स्टूडेंट को बताते हैं। तो हर स्टूडेंट को, हर तरह के जो किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो UPSC की कर रहे हो, BPSC की, या किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए उतने ही रेलिवेंट है ये फिल्म। तो देखिए, इस तरह का मूवी बिहार में लगातार उभर कर आ रहा है सामने, और आपको बता दें कि नवादा जिला जैसे शहरों से एक ऐसे हीरो निकल कर आया जो दिल्ली अब दूर नहीं है मूवी को रिलीज कर चुके हैं। और आपको बता दें, इसमें काफ़ी ज़्यादा चॉइस वाला बात यह है कि UPSC की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खास तरह का सुनहरा देखने को ये मूवी मिलेगा, और लोग ज़्यादातर इसे पसंद करेंगे। और क्योंकि ये गांव से रिलीज हुआ एक मूवी है और इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है कि किस तरह से जो युवाएं हैं वो दिल्ली जाकर मेहनत करते हैं, बाहर शहरों में जाकर मेहनत करके अपनी जो लक्ष्य होता है उसको हासिल करते हैं। तो इसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।